हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज क्लास टेंथ विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिकल प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, जिन स्टूडेंट को 2023 में बोर्ड एग्जाम देना है उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भी समपोषी नहीं है? ऑप्शन ए फफूंदी, ऑप्शन बी फीताग्रीम, ऑप्शन सी नीस्ट, ऑप्शन डी मनी प्लांट। तो फ्रेंड्स, इनमें से भी समपोषी नहीं है, मनी प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चर्मरक दंतों की संख्या होती है? ऑप्शन ये दो, ऑप्शन बी चार, ऑप्शन सी छह, ऑप्शन डी आठ। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी छह, चर्मरक दंतों की संख्या छह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्लोरोफिल अवशोषित करता है? ऑप्शन ये जल, ऑप्शन बी खनिज लवण, ऑप्शन सी प्रकाश ऊर्जा, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो फ्रेंड्स, इसमें क्लोरोफिल अवशोषित करता है प्रकाश ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, विटामिन सी का अच्छा स्रोत है? ऑप्शन ए अंडा, ऑप्शन बी मछली, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी संतरा। तो विटामिन सी का अच्छा स्रोत है संतरा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है श्वसन में, उत्सर्जन में, पाचन में या फिर वृद्धि में? तो फ्रेंड्स, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है श्वसन में। रुधिर के कितने समूह होते हैं? ऑप्शन ये छह, ऑप्शन बी दो, ऑप्शन सी चार, ऑप्शन डी आठ। तो फ्रेंड्स, रुधिर के चार समूह होते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, श्वसन से, परिवहन से, उत्सर्जन से? तो वृक्क संबंधित होता है उत्सर्जन से, राइट आंसर ऑप्शन डी। आठवां प्रश्न आता है, पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है? ऑप्शन ए जाइलम द्वारा, ऑप्शन बी फ्लोएम द्वारा, ऑप्शन सी कॉर्टेक्स द्वारा, ऑप्शन सी वसा के रूप में। तो पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है फ्लोएम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पुष्प में कितने भाग होते हैं? ऑप्शन ए तीन, ऑप्शन बी चार, ऑप्शन सी पांच, ऑप्शन डी छह। तो फ्रेंड्स, पुष्प में चार भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ते हैं, हाइड्रोजन बंध, आयनिक बंध, पेप्टाइड बंध या फिर सहसंयोजी बंध? तो डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा जोड़ते हैं, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राग नली में नर युग्मक की संख्या होती है? ऑप्शन ए एक, ऑप्शन बी दो, ऑप्शन सी तीन, ऑप्शन डी आठ। तो प्राग नली में नर युग्मक की संख्या होती है दो, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? ऑप्शन ए पुंकेसर, ऑप्शन बी वर्तिका, ऑप्शन सी अंडाशय, ऑप्शन डी बीजांड। तो निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदलता है? अंडाशय, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है? ऑप्शन ए अंडाशय से, ऑप्शन बी प्लासेंटा से, ऑप्शन सी वृक्क से, ऑप्शन डी फैलोपियन ट्यूब से। तो मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है प्लासेंटा से, राइट आंसर ऑप्शन बी। डीएनए पाया जाता है? ऑप्शन ए कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन बी केंद्रक द्रव्य में, ऑप्शन सी केंद्रिका में, ऑप्शन डी केंद्रक में। तो डीएनए पाया जाता है केंद्रक में, राइट आंसर ऑप्शन डी। पंद्रहवा क्वेश्चन है, पुष्प के नर भाग को कहते हैं? ऑप्शन ए पुमंग, ऑप्शन बी जायांग, ऑप्शन सी बीजांड, ऑप्शन डी अंडाशय। तो पुष्प के नर भाग को कहते हैं पुमंग, राइट आंसर ऑप्शन ए। मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है? ऑप्शन ए 42, ऑप्शन बी 44, ऑप्शन सी 46, ऑप्शन डी 48। तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, राइट आंसर ऑप्शन सी। जायगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है? ऑप्शन ए 4x, ऑप्शन बी 2x, ऑप्शन सी 3x, ऑप्शन डी x। तो फ्रेंड्स, जायगोट होता है द्विगुणित, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 2x, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो
मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 42, ऑप्शन डी 44। तो फ्रेंड्स, मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या होती है 44। गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी आरएनए, ऑप्शन सी डीएनए, ऑप्शन आपका डी है डीएनए और प्रोटीन। तो गुणसूत्र बना होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, डीएनए और प्रोटीन, राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न में लिंग गुणसूत्र होता है, ऑप्शन ई एक्स वाई, ऑप्शन बी एक्स सिक्स, ऑप्शन सी वाई, ऑप्शन डी एक्स। तो फ्रेंड्स, पुरुष में लिंग सूत्र होता है एक्स इंटू वाई, राइट आंसर ऑप्शन ये। तो फ्रेंड्स, ये थे क्लास टेंथ विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण भूविकल पेपर्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।